जो मसीही बार बार पाप करता है यीशु उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है और ना कभी सुनेगा। परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, पाप नहीं पसंद है। वीडियो को आंख खोलकर देख लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर शेयर जरूर कर देना अगर चलाते हैं तो, वरना कोई बात नहीं, वीडियो को देखते रहिए। जो मसीही बार बार पाप करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूहन्ना 8:39 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है। अगर लोग अपने आप को पाप के बंधन में, बेड़ियों में मुक्त नहीं कर सकते हैं तो वे पाप के गुलाम हैं और वे परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत से लोग पाप में जीते हैं और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वे पाप के बंधन में बंधे ही रहते हैं। और हम प्रभु पर विश्वास करते हुए भी अपने आप को पाप से मुक्त क्यों नहीं कहते हैं और क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है? इसके लिए हम वचन से देखते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह का उद्धार मिला है और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। और भले ही पाप करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के सामने, पापों को कबूल करने के पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना और परमेश्वर हमें पापी के रूप में नहीं देखता है। परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है, क्यों नहीं सुनता है तो सुनो, प्रार्थनाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना जो अकेले में की जाती है और दूसरा सामूहिक प्रार्थना जो चर्च में की जाती है। नंबर एक, संदेह करने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। याकूब 1:6-7 में लिखा हुआ है, यदि हम प्रार्थना करते समय संदेह करते हैं कि हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम समुद्र की उस लहर के समान है जो जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से वापस चली जाती है। उसी प्रकार एक संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा संदेह ही करता रहता है, वह कुछ भी नहीं पाता है। नंबर दो, छिपे हुए पाप और अनर्थ कामों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। भजन संहिता 66:18 में लिखा हुआ है, राजा दाऊद कहने लगे, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, प्रार्थनाओं का उत्तर रुक जाता है। नंबर तीन, परमेश्वर के वचन में ना बनने के बने रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो मैं जीवित और मेरी बातें यानी मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम वचन में बने ना रहे तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। नंबर चार, जो कंगालों जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों को इसीलिए डांटा था क्योंकि वे कंगालों और विधवाओं की सुधि नहीं लेते थे। नीति वचन 21:13 में लिखा हुआ है, जो कंगालों की दुहाई पर कान नहीं लगाते उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम जरूरतमंद लोगों की सुधि लें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। नंबर चार, घमंड के कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। परमेश्वर ने कहा है, मूसा पृथ्वी पर सबसे नर्म व्यक्ति था इसलिए उसकी हर एक प्रार्थना सुनी जाती थी। लेकिन राजा नबूकदनेस्सर घमंडी था और बुरा राजा था इसलिए न तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई और उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। घमंड हमारी प्रार्थनाओं के लिए रुकावट है। नंबर पाँच, पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम न होने से भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पहला पत्रस 3:7 में लिखा हुआ है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमान के साथ अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। विवाह परमेश्वर की नजर में आदर की बात है, वो आदर और प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। बाइबल बताती है, सूर्य के नीचे पृथ्वी पर हर एक बात का
हर एक बात का एक समय है, एक अवसर है, और परमेश्वर अपने समय से सब बातें सुंदर बना देते हैं। सबों दशक 3 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में देरी लग रही है तो विश्वास करें, परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर अपने समय से सब कुछ बढ़िया कर देगा और बेहतर कर देंगे। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।